नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें, मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लोग एटीएम से पैसे कैसे निकाल लेते हैं जबकि एटीएम हमारे पास होता है। तो कभी भी जब आपके पास कोई फोन आए ये बोले कि मैं हेड ऑफिस मुंबई से बात कर रहा हूँ और आपका एटीएम बंद हो जाएगा, आपको इसका नंबर बता के इसे एक्टिवेट करवाना होगा, तो आपसे निवेदन है कि किसी को भी ऐसी बातें कुछ न बताएं। अपने एटीएम के बारे में आगे का नंबर, पीछे का नंबर कुछ भी न बताएं। यदि आपने गलती से बता दिया तो आपके फोन को ट्रैक कर लेंगे और उसको क्लोन बनाकर उसका उस पे SMS मंगवा लेंगे और उससे पैसे आपके निकाल लेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने देखी हो थोड़े दिन पहले, उस पर मैंने अपने एटीएम का नंबर दिखा दिया था आगे से पीछे से, जबकि मैंने पिन कोड नहीं बताया था। तो उन्होंने मेरे फोन का क्लोन बना लिया और उस पे SMS मंगवा कर मेरे पैसे निकाल लिए, जबकि वो ज़्यादा नहीं निकाल पाए क्योंकि उसमें पैसे मेरे इतने थे नहीं। कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 45 रुपये उन्होंने उससे शॉपिंग कर ली। तो अब मैंने वो बंद करवा दिया है। तो इस करके कभी भी आपके पास यदि कभी ऐसा फोन आए तो आप उसे अटेंड करें, तो अटेंड करने के बाद उसे काट दें, उसे कह दें कि मैं ऑफिस में आके, बैंक में आके ही बात कर लूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अतः आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरी एक दिन उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे जो फोन करते हैं कि हम एक दिन में एक आदमी कम से कम 50,000 रुपये कमा लेता है। तो साथियों, ये अपनी मेहनत की कमाई है, इसे ऐसे बेकार न जाने दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे बच सके, क्योंकि जिसने एक बार ऐसी वीडियो देख ली वो दोबारा उनका फोन कभी अटेंड नहीं करेगा। नहीं तो गलती से हम अटेंड कर लेते हैं और बाद में हमें परेशानी होती है, हमारे सारे पैसे निकल जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।